असलम वीवर्स आई टी पहली पी के मल्टी टॉपिक इंटरनेशनल सिंपोजियम में मौजूद हैं, जो कि 38th इंटरनेशनल सिंपोजियम है। और इसमें हमें जिनसे मौका मिला है बात करने का, फास्ट केबल के ओवैस नदीम साहब हैं, रीजनल बिजनेस मैनेजर हैं। और हम इसे जानते हैं कि सबसे पहले तो कि मल्टी टॉपिक सिंपोजियम के हवाले से क्या कहते हैं, जो कि फास्ट केबल जो है वो हर साल जो है स्पॉन्सर के तौर पर आते हैं, और इस बार भी जो है प्लैटिनियम स्पॉन्सर है। तो हम इसे जानते हैं इस बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अवैस नदीम है, मैं रीजनल बिजनेस मैनेजर हूँ फास्ट केबल्स का, यहाँ साउथ रीजन को मैं हेड करता हूँ। तो फास का जो IEEE के साथ रिलेशनशिप है वो डिकेड्स का रिलेशनशिप है। फास जो है वो IEEE के तमाम इवेंट्स में पार्टिसिपेट करता है, जिसमें सिंपोजियम भी है, इनकी एग्जीबिशंस हैं। आज हम यहाँ पे 38th जो इनका सिंपोजियम हो रहा है, इंटरनेशनल सिंपोजियम, जिसमें बहुत से लोग अपने जो है रिसर्चेज, अपने पेपर्स यहाँ पर पब्लिश कर रहे हैं और उसको प्रजेंट कर रहे हैं, ताकि बाकी जो इंडस्ट्री है वो इन तमाम रिसर्च और इम्प्लीमेंटेशन जो इन लोगों ने अपने इन हाउस की हैं उससे फ़ायदा ले सके। और फास केबल भी इन लोगों को मोटिवेट भी करता है, प्रमोट भी करता है, और इन लोगों की जो मुख्तलिफ स्टडीज़ हैं उनको लेके अपने इन हाउस इम्प्लीमेंटेशन भी करता है। अच्छा, इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक़ है, तो आप क्या समझते हैं कि इस किस्म के इवेंट जो है इंडस्ट्री को कितना सपोर्ट करते हैं, या इससे जो पाकिस्तान के बिज़नेस को कितना बेनिफिट मिलता है? देखें, ये पाकिस्तान के अंदर रिसर्च का रुझान वैसे बहुत कम है, तो इस तरह के जो इवेंट्स या प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो एक तो मोटिवेट करते हैं लोगों को कि जो अपनी मुख्तलिफ रिसर्चेस कर रहे हैं या एक नई चीज़, नई इनोवेशन लेके आए हैं, उसको वो बाकी तमाम लोगों को शोकेस कर सकें। तो इस तरह के इवेंट और प्लेटफॉर्म जो है ना, वो एक बहुत बड़ा ज़रिया है, और इस तरह के इवेंट्स को प्रमोट भी करना चाहिए, सपोर्ट भी करना चाहिए, और जो लोग यहाँ पर आके प्रेजेंट करते हैं ख़ासतौर पे, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो उसके ऊपर मज़ीद काम करें, और जिस पॉइंट तक हम अभी पहुँचे हैं उसमें मज़ीद उससे आगे की जो जिद्दत है वो ला सकें। तो ये इंडस्ट्री को भी इसको सपोर्ट करना चाहिए और इनको मोटिवेट भी करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस नदीम साहब, व्यूअर्स ने देखा कि अवैस नदीम साहब थे फास्ट केबल के, और उन्होंने अपने ख्याल का इजहार किया। इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए इंजीनियरिंग पोस्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।